हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे सुबह के लिए आटा गूंद के रख लिया है और यहाँ पे भी सब्जी कट कर लिया है। मैंने आलू और करेला बनाऊंगी। नीतू को तो पसंद नहीं है करेला, लेकिन हम लोग खाएंगे। नीतू को आलू देंगे ना नीतू रीता। तो नीतू रीता यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। अभी 7 बज रहा है, अब मैं जाऊँगी, पहले सब्जी बैठा देती हूँ, उसके बाद नीतू के लिए बनाना शेक और हमारे लिए भी बनाना शेक बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो इतना सारा फैला पड़ा है सामान, शॉप के लिए आया है। देखो ये सारा सामान फैला पड़ा है, शॉप में लेके जाना है। ये सारा इधर है और देखो यहाँ पूरा खिलौना है, यहाँ पूरा सारा चीज़ है। और ये कार्टून तो खा लिए, हटा देंगे। और इसमें भी है और आधा सामान तो फिर शॉप में भी चला गया है। तो ये सामान लेके जाना है, ये कल आया था। तो आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान आया है, इसका अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं ना ज़्यादा लंबा हो जाती है। तो मैं इसका ये सामान का अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या सामान, मतलब क्या क्या सामान है। यहाँ पे हमारा सब्जी बन रहा है। यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया अभी, और यहाँ पे मैं टमाटर डाल दूँगी। उसके बाद इसको मिक्स करके ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। मैंने बाद में ये टमाटर डाला, पहले डाल देती थी, आलू पकता नहीं, तो इसलिए बाद में मैंने इसको डाल दिया है। और इसको मैंने अच्छे से चला लिया है, और इसको मैं ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने बना लिया है बनाना शेक, और सबको दे देती हूँ। आ जाओ, कौन कौन पहना है बनाना शेक? नित्य दीता गिर गई क्या वहाँ पे? तो नित्य दीता का मैं यहाँ पे लंच ले के जा रही हूँ, लंच और पानी। लो नित्य दीता, सारा सेट कर लिया। इसका मतलब साइंस, सोशल स्टडी, मतलब ईवीएस का है। सोशल स्टडी मतलब हिंदी में क्या, हिंदी में कौन सा सब्जेक्ट? सोशल स्टडी, सामाजिक शिक्षा। हाँ सामाजिक शिक्षा ना। ये रख लो। नीतू को कौन सा सबसे पसंद आया था? नीतू को खिलौने में नीतू को कौन सा पसंद आया था सबसे? मुँह लटका के बैठी थी ना कल, नीतू को कौन सा सबसे पसंद आया था? हाँ नीतू को, हाँ किचन सेट, नीतू को ये सबसे पसंद आया था। कल उसको ये बोल रही थी ये लेने के लिए, मैं तो गुस्सा हो रही थी ना नीतू दीदा। कल नहीं चाहिए, तुम्हारे पास तो बहुत सारे ये किचन सेट नीतू को चाहिए था, वो गुस्सा होकर बैठे। हमने उसको फुसलाया कि बबल्स दे देंगे, डील किया है नीतू का सर, बबल्स ले लिया नीतू दीदा के साथ, डील किया है। डील किया है क्या? डील किया है, बबल्स देंगे, ये बबल्स दे देंगे। अच्छा ठीक है, बबल्स। हाँ फ्रूट स्टार्टिंग, ये वाला ले लिया नीतू दीदा ने बबल्स। हाँ ये वाला दीदी, किचन सेट तो बाबू के पास है बहुत सारे किचन सेट। अच्छा ये क्यूब, आजकल ऐसे वाला क्यूब आने लग गया ना, ऐसे वाला क्यूब पहले अलग आता था। अच्छा ये फ्लावर पहले ऐसे वाला आता था। अच्छा हाँ वो दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला भी तो है ही। हाँ ऐसे वाला है, ये है पजल, ये स्लेटी, बहुत सारे सामान आए हैं देखो। और ये छोटे छोटे गाड़ियाँ देखो, वाह कितना अच्छा है ना, छोटे छोटे गाड़ियाँ, छोटे छोटे गाय, ये वाला गाड़ी, बहुत सारे आए देखो, फैला पड़ा है सारा। सिलेबस देखो ना, देख तो रही हूं। देखो आज कौन सा फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे का इंग्लिश। हाँ तो यहाँ पे मैं नीतू को छोड़ के आके मैं हमारे लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना लिया रोटी, और इसको मैं घी लगा लेती हूँ। तो ये नाश्ता रेडी हो गया है, मेरे हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ। यो मतलब ये अंदर जाने का रास्ता ना ब्लॉक कर दिया सामान से, इधर भी सामान है, इधर भी सामान है, जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। लो करेला का सब्जी बनाइए। नीतू ने ना आप लंच में ले ली, गई नहीं, नहीं वो करे, उसको करेला पसंद नहीं है।
क्या ले रही थी? आलू 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 डाल दिया और एक पराठा डाल दिया, केला डाल दिया, वही लेके ले चल गए। कैसा है करेला का सब्जी? अच्छा है। और मैं जाती अपने लिए भी खुद लेने। तो हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग आज शॉप में चलेंगे। आज कुछ सामान सेट करना है शॉप में, सारा मतलब सामान कुछ कुछ सामान लेके जाना है शॉप में। नाश्ता करने के बाद वहाँ ले जाके हम दोनों सफाई भी करेंगे और सामान को सेट भी करेंगे। देखते हैं आप कितना काम हो पाती है शॉप में। ये जितना हो सकता है उतना लेके जाएंगे शॉप में। ये देखो इतना बड़ा बड़ा कार्टून, ये तो फालतू, ये बड़ा वाला कार्टून क्या करेंगे इसको। हम लोग शॉप में आ चुके हैं, अभी 10:30 हो गया है। तो थोड़ा सफाई किया है, अब इधर साफ करना है हमें ये वाला रैक। इस वाला रैक में ये फ्लावर वाला है ना रैक, ये वाला ऊपर, और इसमें हमें लगाना है ये वाला फ्लावर, ये वाला फ्लावर। फ्लावर लेके आए थे कल हमने, तो आपको दिखा देते हैं। ये वाला फ्लावर है एक, और छोटा भी है बड़ा भी है। यहाँ पे है ये छोटा वाला, ये छोटा वाला फ्लावर, बड़ा वाला फ्लावर, और ये है ग्रीन वाला फ्लावर, और इस टाइप की है ये वाला ग्रीन वाला फ्लावर। कितना अच्छा है ना, ये वाला फ्लावर, यही आया है सारा फ्लावर। और दूसरा वाला है ये वाला फ्लावर, यही फ्लावर। इतने सारे फ्लावर आया है, ये सारा इस इधर, ये बाहर निकाला है मैंने, रैक में लगाने के लिए है। साफ़ करने के बाद रैक में लगाएंगे। और यहाँ पे है कुछ फ्लावर सामान। काम करते करते 12 बज के हाथ भी काला हो गया। साफ सफाई किया है हमने, इधर भी बना दिए वहाँ पे फ्लावर से, ये सफाई कर रहे थे हम लोग ये वाला रैक, और मेरे हस्बैंड इधर वाला रैक सफाई कर रहे हैं इधर वाला। और कितना होता है आज, तो 1:30 बजे तक कितना कर पाएंगे हम लोग सफाई। फ्लावर को भी मैंने सेट कर दिया वहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा अभी तो मुझे, अभी प्यास लग रहा है, हाथ भी काला हो गया। ठंडा पानी कहाँ है, वो इज ठंडा पानी, मुझे ठंडा पानी तो लेके आए थे ना, ठंडा पानी रैक के अंदर। अच्छा यहाँ पे है, तो मैं थोड़ी देर पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर सेट करना है। नीतू को लेके लेने जाना भी है 1:30 बजे। आप पानी पियो, नहीं पियोगे? ये वाला सेट कर दिया फ्लावर यहाँ पे, ये भी साफ कर लिया हमने, थोड़ा चमक रहा है अब शीशा। आज हमने टाइम निकाला है सफाई करने का टाइम। स्पाइडर को ना मैंने यहाँ पे लगा दिया, स्पाइडर को यहाँ लटका दिया है वहाँ पे ऊपर, गणेशा को उल्टा हो गया स्पाइडर, उल्टा बैठा स्पाइडर हमारा, स्पाइडर मैन। गणेशा को वहाँ पे लटका दिया, पीछे मैंने डॉल को लटका दिया यहाँ पे ऊपर नीचे, इससे ऊपर मैंने यहाँ पे हाथी को लटका दिया है। और सामान लटकाना है, और सामान आना बाकी है घर पे है, और अभी तो थोड़ा आया है। अच्छा उसमें शीशा बंद ही हुआ वहाँ पे, उन्होंने चेक किया था ना, बंद नहीं हुआ शीशा, फिर धुल जाएगा। थोड़ा सी थोड़ा भी खुला रखो ना, धुल चला जाता है। तो और सामान आएगा धीरे धीरे करके करके सेटिंग करेंगे हम लोग। ये पूरा खाली है ना शीशा, उसमें हमें सारा टेडी बियर भरना है। अभी तो ले आए नहीं, उसको साफ करेंगे अच्छे से, तब ले आके भरेंगे टेडी बियर, पूरा टेडी बियर, टेडी बियर। अभी हो रहा है 2:15 होने वाला है, मैं जा रही हूँ नित्तों को लेने। अब हमारा काम आधा कंप्लीट हो गया, 3 घंटा लगा हमने सफाई करने के लिए। तो देखो यहाँ सारा हो गया सारा, इसको ना डस्टबिन में रखना पड़ेगा, ये कागज़ वगैरह इतने सारे हो गए। मैं जा रही हूँ नित्तों को लेने, 5 मिनट के बाद आप शटर डाउन करके चले जाना। और आज ज़्यादा थकान लग रहा है, मैं खाना वाना नहीं बनाऊँगी, और बाहर से खाना लेके आएंगे और वही खाएंगे। 3 घंटा सफाई किया, काम किया, बाबरे नॉन स्टॉप काम कर लिया। और भी सामान लेके आना है सब बैठे। तो
मुझे छाता लेके जाना है क्योंकि इतनी गर्मी है, तो बैग में है छाता, बैग लेके चले जाना घर, ठीक है। हाँ, और आपने कितना सफाई कर लिया, कितना काम कर लिया, इतना? हाँ हाँ, नहीं किया, किया आपने भी ज़्यादा काम। तो यहाँ पे हमने ना ये यहाँ पे लगा दिया, ये वाला वॉल हैंगिंग क्राफ्ट इधर लगा दिया। और कहाँ कहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, और कहाँ, अच्छा यहाँ पे लगाए हमने ऊपर यहाँ पे। अच्छा ये टॉप वाला शीशा भी साफ कर दिया ना? हाँ, अच्छा। तो आज आपने भी काम कर लिया बहुत ज़्यादा, चार कर दिया, चार कर दिए। अच्छा, तो आपने भी आज ज़्यादा काम कर लिया ना? आपने ज़्यादा काम कर लिया। चलो अब मैं जा रही हूँ, इसको पाप खोलेंगे। पूरा सामान फैला पड़ा है, सेट करना है, घर में भी वैसी है फैला पड़ा है। यहाँ पे हमारा खाना लेके आए थे मेरे हस्बैंड ने, ये बाहर से ये लेके आए थे, और नीतू के लिए निकाल दिया, हमारे लिए लिए पनीर लेके आए हो क्या? हाँ। पनीर सब्जी, और ये सुबह की सब्जी है, दो रोटी बची है, करेला। कौन कौन खाएगा करेला? आप खा रहे हो करेला? नीतू दीदी करेला खाए नहीं ना, खाने इसको पसंद नहीं है नीतू दीदी को। तो यहाँ पे लस्सी है, तो हम लोग खाना खाते हैं। फेस वॉश कर लिया, इतना गर्मी, बाहर इतना गर्मी है। हाँ सारा खा लिया नीतू दीदी ने, सारा खा लिया। मैंने करेला नहीं डाला था ना, इसलिए आलू डाल दिया। तो अच्छा मास्क रख दिया सुबह ना, इसने मास्क पहन के जाना भूल गई थी, वहाँ गेट के पास चली गई तो याद आ गया नीतू दीदी को मास्क, तो फिर मैंने मास्क खरीद दिया, तो दो डिस्पोजल मास्क हो गया, भूल जाते हैं कभी कभार। तो हम लोग अब खाना खाएंगे, पहले मैं लस्सी पीती हूँ, इतनी गर्मी में बिना लस्सी का तो मैं रह नहीं पाती हूँ, पहले लस्सी पी लेती हूँ उसके बाद खाना खाऊंगी। मिर्ची तो नहीं है ना नीतू दीदी, तो मिर्ची नहीं है, देख तो कम है मिर्ची, मैं के साथ खा ले। मिर्ची है, लस्सी सही से बैठना हो, लस्सी पीना, लस्सी पी ले। थोड़ा मिर्ची है, खीरा भी खा ले, ये भी खा लेना, थोड़ा थोड़ा करेला आदत डाल रहा है करेला खा के। आलू भी करवा था, और मुझे खाना बनाने का पौने दो हो गया, बर्तन है बहुत सारे धुले, खाना खाने के बाद धुलूंगी। कहाँ पे चोट आई थी बेटा स्कूल में? अच्छा यहाँ पे चोट आई थी। अच्छा मैं बाबू के लिए तेल लगा देती हूँ, और देखो बाबा से यही मिला है, फुलाना ठीक है, फुलाना चलो यही से फुला, यही पे फुला, यही पे फुला, नहीं नहीं यही पे, मुझे थकान लग रहा है बाबू। मैं पहले तो तुम्हारे पैर में तेल लगा देती हूँ, सरसों का तेल, सरसों का तेल, पहले सरसों का तेल लगा देती हूँ बर्तन में, बहुत पहले बाबू को पैर में मैं सरसों का तेल लगा, और फैन को बेच दो, फ्री का फैन, फ्री का 20 रुपए में फैन मिला, आप आ देगा, दिखाओ पैर दिखाओ, तेल लगा देती हूँ, तेल लगाने से ना सरसों का तेल लगाने से ठीक होता है, तो यहाँ पे तेल लगा देती हूँ मेरे बाबू को। कैसे गिरी बाबू स्कूल में? झूले से, झूले से गिरी, बहुत बड़ा झूला था, कुछ तो कहीं से चोट तो आया नहीं, पकड़ के बैठना होता, दिखा लो बबल्स कैसा फुला, तो एक बार फुलाऊंगी, इधर आ जा, इधर, वाह कितना बबल्स फूल रहा है, पहले ये रख देती ना ये डब्बे। हाँ तो फ्रेंड्स ये भी हमारे सामने दुकान में आया था, मैं भूल गई थी आपको दिखाने के लिए, तो नीतू दीदी दिखाने ये वाला कप, ये कप तो मग कप, ये वाला ढक्कन वाला मत करना बाबू, तो ये वाला कप है, इसमें मिरर भी लगी हुई है और ढक्कन भी है, कितना अच्छा है ना ये कप, ये वाला, तो ये वाला आपको दिखाया नहीं था मैंने, तो ये वाला कप, इसमें लव मॉम लिखा है एवरीडे, और दूसरे में लिखा है, इसमें ये वाला लिखा है, ये वाला कप, इसमें अपना फेस भी दिखाई देता है। नीतू दीदी आना, तुम्हारा फेस भी दिखाई देता है इस कप में, दिखना
मिरर मांग तो दिखाई देता ना, नहीं तो अगर फेस दिखाई देता मेरा भी कितना अच्छा दिखाई देता। ऐना की जरूरत नहीं है, यही मग यूज करेंगे तो ऐना की जरूरत नहीं है। टूट गया तो फिर ये टूट जाता है, क्या करें। तो यही था सामान। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यही तक था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।